करो, चलो करो सब लय के साथ करो। ये ले जाओ माइक, ले जाओ बेटे। ये तो मैंने आज बीपी, शुगर, इंसुलिन कुछ अलग अलग, और किसी को 5-7 दिन यहां भर्ती हो गई, वैसे तो किसी को तो 2-3 दिन में लाभ हो जाता है विशेष हेमलता की तरह, लेकिन 5-7 दिन जिनको भर्ती हुए हो गए हैं, हाँ कुछ आज जाने वाले हैं, हर दिन कुछ जाते हैं कुछ आते हैं, ये तो चक्र है ऐसे, जिनको विशेष लाभ हुआ है वो खड़े होना, 5-7 दिन में जिनको विशेष लाभ हुआ है, हाँ 1, 2, 3 तो 4 तो मेरे सामने ही है, पहले यहीं से शुरू करते हैं चलो। हाँ पहले इस यहाँ करते रहो आप लोग, अनुलोम विलोम करते रहो, इसको तो चलते फिरते भी कर सकते हो, सब करो अनुलोम विलोम, चुपचाप नहीं बैठना, बोलो बहन। ओम जी। फर्स्ट सितंबर से मेरे को वर्टिगो अटैक आया। अच्छा। अचानक जब सुबह उठी तो आंख बंद में ऐसा लगता था पूरी सृष्टि घूम रही हो जैसे। ओ, क्या नाम है? राखी गुप्ता। राखी, फिर दिस इज माई 6th ईयर इन योग्राम। अच्छा। आपसे कल मिले थे, मेरे हस्बैंड भी, इन्होंने सिगरेट छोड़ी। हाँ। नरेंद्र गुप्ता। ओ, राखी नरेंद्र गुप्ता, उनका आज SP है। अच्छा, कल आएंगे सुबह। इनके हस्बैंड सिगरेट पीते थे जबरदस्त, उसने सिगरेट छोड़ दी, उसके लिए भी अभिनंदन है हमारी इस मुरली की तरह। हाँ? क्या नाम है उनका? डॉक्टर नीरज सुरेंद्र गुप्ता है ना, वीरेंद्र गुप्ता। वीरेंद्र गुप्ता, हाँ जी। फर्स्ट टाइम डॉक्टर नीरज से मिले थे योगग्राम में, तब निरामयम की बनने की शुरुआत भी नहीं हुई थी। 6 साल से आ रही है। जी जी, हर साल दिवाली के 2 दिन बाद हमारा फिक्स्ड है, फिक्स हम आते हैं। ये अच्छी बात है कि भाई दिवाली पर जो है वहाँ बहुत प्रदूषण, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से हैं हम, और ये एक नियम है कि साल में जब इतने सारे यात्राएं करते हैं, चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, बट यहाँ पर एक हमारा एक नियम बनी गया कि आना ही आना है, कि साल में एक बार यहाँ आना है। कोविड ने हमें कहीं नहीं लेके गया, लेकिन कोविड की वजह से हम यहाँ जरूर है। लेकिन पहली बार यहाँ आए कोविड के समय भी। अब क्या हाल है वर्टिगो का? वर्टिगो का इतना इशू हो गया था मेरे को कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ कैसे और क्यों हुआ। तो डॉक्टर्स का तो सिर्फ यही था, वर्टिन 24 ले लो, 2 बार वर्टिन 16 ले लो, वर्टिन 8 कर लेंगे। बट आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे एलोपैथिक दवाई नहीं खानी, तो मैंने कुछ दिन होम्योपैथिक ली और उससे मुझे थोड़ा आराम था, लेकिन परमानेंटली आराम नहीं था। मैं घर में भी चलना बंद हो गया था लिटरली, और 5 से 6 किलो वजन बढ़ गया मेरा पिछले 3 महीने में। ज़रा सा चलती थी और चक्कर आता था, जैसे कोई मुझे धक्का दे रहा हो पीछे से। अभी ठीक है? अभी तो मैं वॉक करके आ रही हूँ। ये कल भी मेरे साथ वहाँ दौड़ रही थी। जी, मैं आपके पास भी झील तक चक्कर काट रहे थे, और पिछले 4-5 दिन से जब से मैं हूँ मुझे एक भी अटैक नहीं आया। वर्टिगो ये बड़ी प्रॉब्लम है, आदमी चलते, और दिस इज नो एग्जैजरेशन, मुझे जेन्युइनली एक अटैक नहीं आया। मैं आराम से सुबह उठ रही हूँ, आराम से सो रही हूँ, टाइम से सो रही हूँ, टाइम से उठ भी रही हूँ, और इतना जल्दी जल्दी वॉक करके आई हूँ। और जबकि मेरे घुटने में बहुत जोर से चोट लगी हुई है, क्योंकि मैं वर्टिगो की वजह से गिर गई थी। बहुत बुरी तरह से रोड पे गिरी थी और बहुत ब्लीडिंग हुई थी। चलो वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच। राखी को बहुत आशीर्वाद इधर देते हैं। आप दोनों तो साथ ही हो? चलो हाँ बोलो, हस्बैंड वाइफ है। नमस्ते जी, प्रणाम जी। हम दिल्ली से आए हैं, मेरा नाम जगदीश मूलचंदानी है, पुष्पा जी हैं। तो हमने दिवाली के अगले दिन ही हम सुबह यहाँ आ गए थे। अच्छा। और मेरे को फ्रोजन शोल्डर था, और घुटने में पेन था, और डायबिटिक थी, और शुगर था, और कोलेस्ट्रॉल था। सारी दवाइयाँ छोड़ दी है, सारी दवाइयाँ छोड़ दी, सब छोड़ दी, और सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया एकदम। फ्रोजन शोल्डर भी 90% ठीक हो गया है, लेफ्ट नी का पेन बिल्कुल खत्म हो गया एकदम, और वेट भी लूज हो गया 3 से 4 किलो का, और बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं एकदम। कोलेस्ट्रॉल, पेट की समस्या, फ्रोजन शोल्डर, ये भी डायबिटीज का ही कॉम्प्लिकेशन है। फ्रोजन शोल्डर भी बहुतों को होता है। अब ये सारी ठीक कर लिए? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल फिट हो गया है मामला एकदम। और बहुत औषधि क्या ले रहे हो यहाँ? औषधि अभी कोई नहीं ली है। की तो बंद कर दी, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दी एकदम, बिल्कुल
समझिए बस्ता ही बंद कर दिया, उसका खोला ही नहीं एकदम। एलोपैथी की दवाएं टोटली बंद, और आयुर्वेद की औषधि क्या ले रहे हो यहाँ? अभी डॉक्टर साहब ने लिख के दिए कल हमारे को, अनुराग जी ने, तो आज हम परचेस करके ले जाएंगे यहाँ से। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा जी आप कुछ कहेंगे? ये पुष्पा भी ठीक, पुष्पा का भी पुष्प खिल गया और जगदीश के ऊपर जगदीश की कृपा हो गई। मैं यहाँ आई थी तो मेरे पैरों में बहुत दर्द था, चला नहीं जाता था, और प्री डायबिटिक और प्री यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ था। और यहाँ आके ट्रीटमेंट से मेरे पैरों का दर्द, घुटने सब ठीक हो गया। और मैं सारी सफाई हो गई तो सारे जो दर्दे थे निकल गई। बस वही दवाई पे नहीं जाना चाहती थी, तो यहाँ कोई दवाई पर नहीं जाना चाहती थी। धन्यवाद निकल गया सारा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। पीछे भी दोनों शायद साथ ही हैं, उनको भी देते हैं। कोई नहीं, स्वामी जी प्रणाम। अनुलोम विलोम करो, आप लोग अनुलोम विलोम कम करते हो, कपाल भाती तो फिर भी कर लेते हो। हाँ करो। स्वामी जी हम लोग बरेली से आए हुए हैं जी, मेरी पत्नी है मंजू सिंह। क्या नाम आपका, क्या नाम बेटा? इनका नाम मंजू सिंह है, मेरा नाम आरके सिंह है। जी जी स्वामी जी, एक चीज यहाँ पे, एक सबसे अच्छी चीज इनके साथ मुझे ये लगी कि बड़ा कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे एलोपैथिक में मैंने देखा, इनको 8 महीने से खांसी आ रही थी, आठ महीने से और इतनी इचिंग, इतनी चीजें कि वो खांसी ऐसी होती थी कि मतलब होती थी तो दो दो मिनट, तीन तीन मिनट लगातार होती थी। तो मैंने वहाँ पे बरेली में कुछ ENTs को दिखाया तो कुछ लोगों ने बोला कि इनको इन्फ्लेमेशन है, ठीक हो जाएगा। तो कभी ये एंटीबायोटिक, कभी वो एंटीबायोटिक, कभी ये सिरप, कभी वो सिरप। मैं हमेशा बोलता हूँ तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा खाते हैं लोग, एक तो रेगुलर दवाएं खाते हैं, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, नींद की, गैस एसिडिटी की, फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं, फिर स्टीराइड लेते हैं, एक चक्रव्यूह ऐसा। और 8 महीने से बताओ, छोटी सी हमारी ये बेटी मंजू और इसके ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट हो लिया, अभी खांसी का क्या हाल है? अभी बाबा जी सुनिए इसके बाद क्या था, अभी जब मैं इसको माइक दे दो, इसको बोलने दो। बाबा जी प्रणाम। एक्चुअली बाबा जी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, बहुत सालों से कम 4-5 साल हो गए। बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना होता है कि मैं उठ भी नहीं पाती। तो उसकी वजह से जब ये जो गले में प्रॉब्लम हुई, हमें लगा कि ऐसे ही कोई एलर्जी वलर्जी होगी, तो लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। तो जो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप एनीमिक हो बहुत ज़्यादा, इसलिए आपके गले में कोई एक अलग तरह की बीमारी बताई थी, पता नहीं क्या नाम बताया था। हाँ वो हो गया है। एक्चुअली उन्होंने बताया कि ये आपको प्लमर वेंजन सिंड्रोम है। प्लमर वेंजन सिंड्रोम, प्लमर नए 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 नाम दे देते। तो मजे की बात बाबा जी ये थी, जिसका कोई समझ में ना आए ना, हाँ, उसके आगे सिंड्रोम जोड़ दो। मतलब वो एक मॉडर्न मेडिसिन में कुछ चीजें ऐसी होती है कि आदमी उसके नाम से ही डर जाता है। तो जब मैंने उसको पढ़ा बाबा जी, तो उसमें आपको मानसिक सांत्वना से कम आपको वो होती है, प्रताड़ना ज्यादा मिल जाती है, इतने भयंकर भयंकर उसमें चीजें बताई जाती हैं। नेट के ऊपर सब सर्च करते हैं आजकल पढ़े लिखे बच्चे, उसमें और तमाम तरह की ड्रामने चीजें मिलती हैं। तो बाबा जी उसमें ये बोला उन्होंने कि अच्छा हुआ आप दिखाने आ गए, वरना ये कुछ कैंसर जैसा भी हो सकता है। ये लो और डरा दिया ऊपर से। फिर लेकिन काफी टाइम हो गया, अभी भी मुझे गले में कोई मतलब ज्यादा रिलीफ नहीं है, दर्द ऊपर से भी होता है। अभी यहाँ कितने दिन हुए? यहाँ 6-16 को आए थे बाबा जी। 16 क्या आए थे? अभी खांसी का क्या हाल है तेरा? खांसी कम कम आती है, ज्यादा नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ अभी खांसी नहीं रही। नहीं नहीं, खांसी रात बात में आती है, रात में कंटिन्यू आती है। और वो सासारी मैंने बोला था गोल्ड ले लो थोड़ा, वो नहीं लिए अभी। क्यों नहीं ली? मैं रोज बोलता हूँ तो लेना चाहिए, अभी तक तो आज ही ले ले, तेरी कल तक ठीक होके जाएगी। लेकिन ये जो ऊपर से जो दर्द है, स्वेलिंग जैसी भी हो जाती है। स्वेलिंग और दर्द दोनों गायब, तेरा मैक्सिमम 7 दिन लगेगा। सासारी गोल्ड को थोड़ा शहद के साथ चाट के 3 बार ले लेना, उसको 2-2 कैप्सूल, उसमें मात्रा 1-1 ग्राम आ जाएगी, तो वो शहद के साथ चाट लेना, तेरी खांसी यहीं से ठीक होके जाएगी। लेकिन बाबा जी ये जो पीरियड्स वाली प्रॉब्लम है, इसके लिए डॉक्टर ने यूट्रस रिमूव करने के लिए कह दिया, इसको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ जो मिट्टी का लेप बताया है ना, ठंडा गर्म पानी का सेक बताया ना, ठंडे पानी की मिट्टी पट्टी और मिट्टी की पट्टी, ये रखना और रोज जो है थोड़ा सा ये बेल के पत्ते या शीशम के पत्ते, उसका जूस पीते रहना, पूरा ठीक हो जाएगा।
तेरे को यूट्रस निकालना नहीं पड़ेगा, यूट्रस रिमूव करने के बाद और कॉम्प्लिकेशन आते हैं। उसी की वजह से बाबा जी मुझे शुगर भी हो गई स्ट्रेस से सोच के। वो भी ठीक हो जाएगी, ठीक है ना जी। ये जिनको भी ब्लीडिंग आदि की प्रॉब्लम है 99% ये छोटे छोटे उपायों से ठीक हो जाती, ठीक है बेटा, परेशान नहीं होना। और आज वो ले लेना, अभी शिविर खत्म होते ही स्वासारी गोल्ड, उसमें शुगर तो बाबा जी इनकी कम हो गई। इनको जब दिखाया था तो डॉक्टर, पहले इनका जो RBS निकला वो था 359, तो डॉक्टर साहब ने तुरंत लिख दिया आप खाओ ग्लिमेप्राइड। और चूंकि मुझे थोड़ा सा नॉलेज था कि जैसे ही आप कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग लेना शुरू करते हो तो आपकी मसल्स खराब हो जाती है, सारी चीजें होने लगती। तुम पढ़े लिखे कितने हो? सर गुरु जी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ। ये हर बीमारी के बारे में नेट के ऊपर जाके खोजता है तो ये आजकल बच्चे भी कोई भी दवाई खाने से पहले उसके साइड इफेक्ट, क्योंकि बाबा जी इसमें बहुत बड़े खेल हैं, इसमें आपको क्लियरिटी नहीं आती है सामने, पेशेंट को पता नहीं चलता है कि क्या उसके साथ हो रहा है। मैंने इनका बंद कराया, इन्होंने कहा क्या खाओगे, उन्होंने कहा मधुनाशिनी खाएंगे, हमने कहा खाओ, मालूम पड़ा कि अब जो फास्टिंग आता है इनका 123, 120, 125। चला अच्छी बात है। क्या करते हो तुम जो है आरके सिंह जी? सर मैं, मेरा बिजनेस है छोटा सा, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहा है यहाँ भी बहुत आशीर्वाद। अभी तुम इस जो बताए उसको फॉलो करना अच्छे से, ठीक है? बहुत अच्छा। तुमको क्या प्रॉब्लम थी आरके सिंह, तुमको क्या प्रॉब्लम थी? बाबा जी आपके आशीर्वाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है कि मैं बड़ा धन्यवाद इनका देता हूँ कि मैं आपका योगा कम करता हूँ लेकिन आपकी बातें सुन के बहुत ज्यादा इंस्पिरेटिव लग रहा हूँ। ना योग भी पूरा करना तो ठीक है, पत्नी का साथ देने के लिए भगवान करे ऐसे पति सबको मिले पत्नी का साथ देने के लिए साथ आ गए, बहुत आशीर्वाद। इधर सुच्चा सिंह जी के साथ हो ना, हाँ इनको भी फायदा हुआ है, ये कोई नहीं। बाकी करते रहो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम करो, ये थोड़ी छोड़ना है। और मंडूकासन के साथ कर लो कपाल भाती। हाँ बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। हमें बाबा जी, हमें छाती से दर्द होती थी, वो भी खत्म हो गई है और शुगर भी खत्म हो गई है, गोली नहीं उस दिन एक भी ली वो दिन। तो दोनों को साथ साथ ही शुगर से हुई? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ को। हाँ जी बाबा जी, हमारे घुटनों से भी दर्द होती थी, वो भी खत्म है, घुटने का भी दर्द खत्म हो गया। हाँ जी, शुगर भी ठीक हो गया। हाँ जी, लेकिन बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं खत्म हुई। वो बाथरूम की भी तुम दोनों का साझा काम है क्या? इसको भी बाथरूम की प्रॉब्लम है? बाबा जी बाथरूम जो है रोक रोक कर रहता है। कोई नहीं, गोखरू लेना, ठीक है, काढ़ा अच्छे से ज्यादा पीना, ठीक है। कहाँ से लेना? गांव गोखरू यही मिलेगा, डॉक्टर लिख देगा आपको ना। हाँ जी गोखरू लिखा जाए। हाँ गोखरू का काढ़ा पीना है। हाँ जी ठीक हो जाएगा। और गोखरू की गोली भी आ गई है, पता नहीं गोली लिखी है क्या काढ़ा लिखा। गोली और काढ़ा दोनों लेना, ठीक है। ड्राई घन वटी भी आ गई है। हाँ जी। और ये गोखरू का काढ़ा भी, तो वो पेशाब ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बाबा जी, हम 15 तारीख से आए हैं, हम कल से चल जाना है, हम और 2 दिन रुकने चाहते हैं देख लेंगे जगह होगी तो रोक देंगे, है ना, ठीक है। बाबा जी इसको मैं सुबह उठा के जो कराता हूँ जबरदस्ती, पहले तो मानती नहीं, मैं करते नहीं, अब मैं सोने ही देता हूँ इसको ठीक किया मैं 2006 से बाबा जी, अब आपको शिविर दिख रहा हूँ, कंटिन्यू योग करता हूँ। जब मेरे को सुबह टाइम नहीं मिला, कोई काम पड़ गया, तो हम योग नहीं छोड़ना, हम शाम को कर लेंगे। ये और पत्नी को भी साथ में उठा लेते, कई बार एक दूसरा आलस्य करता है तो कुछ पति पत्नियों को, कुछ पत्नियां पतियों को एक दूसरे को उठा दिया करो। एक बाबा जी इसको चाय पीने की बहुत आदत, उधर से आई चाय पी लो, इधर से आई, मैंने इसको बहुत बोला चाय बंद कर दो, आज इधर आके इसको चाय का कुछ पता नहीं है। और हम संतरे लेके आए इसे गाँव से, 3 संतरे अभी भी रखे हैं, शुगर काम होगी तो खा लेंगे, नहीं तो रात को कुछ मिलेगा ही नहीं। घर से संतरे लेके आए थे, चलो ठीक है। बाबा जी हम घर में भी काढ़ा बनाते हैं ग्लो, और उसमें डालते हैं तुलसी, तो उसको जवैन और नमक थोड़ा काली मिर्च डाल के उबाल के पूरा हम एक, जब 6 बोतल पानी के डालेंगे तो उसमें 2 बोतल डालेंगे तो रखेंगे उसको पानी काढ़ा साथ में लेके आए ग्लो का, ग्लो भी पीते हम। चलो बहुत आशीर्वाद। हाँ चलो मंडूकासन करो। बाबा जी हमको 2 दिन रुकना है, मेहरबानी कर दो। कर दो, रुक दे। ठीक ठीक। उसके पीछे जवान लड़का खड़ा है, उससे पूछते आगे झुको, आगे झुको स्वामी जी, ओम झुक करके 2 मिनट तक कपाल भाती इसी में मुंडूकासन में करो, ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी के लिए। हाँ बेटा स्वामी जी, ओम ओम बेटा। स्वामी जी मेरा नाम मेजर सागर चौहान है, 2013 से मुझे स्लिप डिस्क की बड़ी प्रॉब्लम स्वामी जी, तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भागना दौड़ना नहीं है, उछलना नहीं है, कूदना नहीं है,
तो मैंने कहा था डॉक्टर साहब मैं तो आर्मी में हूँ, कैसे चलेगा उछलने कूदने की? आर्मी में हो? हाँ जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, दो साल मुझे प्रॉब्लम चली, फिर आपका एक कैंप था FRI में जहाँ पे मोदी जी भी आए थे, वहाँ पे आपके एक भक्त थे जिन्होंने मेरा एक्यूपेशन किया और मुझे कुछ आसन बताए। तब से डॉक्टर साहब मेरा स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम 50-60% ठीक हो गया, लेकिन अभी भी पैर में यहाँ पे सुन झन्नाट रहती थी, यहाँ पे पंचक्रम लिखा डॉक्टर साहब ने, तो अभी कमर का तो पूरा दर्द ठीक हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन अभी काफ मसल में हल्का सा एक दर्द रहता है डॉक्टर साहब अभी भी। बाकी डॉक्टर साहब एक स्किन का प्रॉब्लम था स्वामी जी, स्किन का प्रॉब्लम पूरा ठीक हो गया है, और एक और प्रॉब्लम था जो हेयर फॉल का, वो ठीक नहीं हुआ है स्वामी जी। बस कितनी उम्र है स्वामी जी? 31 ईयर्स। 31? 31 साल। 31 साल का ही है? तो आर्मी में कहाँ पोस्टेड अभी? मैं अभी स्वामी जी सियाचिन में हूँ। सियाचिन में? हाँ जी। तो ऊपर आते रहो, अभी ठीक करके भेजता हूँ। सियाचिन में तो फिर मामला ठंड बहुत है। पहले तो इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, देश की सेवा में लगाओ बच्चा है। आप लोग झुक करके, जिनको कमर में दर्द है वो बैठे बैठे, और बाकी ऐसे झुक करके करो, पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, सबके लिए अच्छा है। ऐसे झुक करके करो मंडूकासन, मंडूकासन करके फिर वक्रासन करके गोमुखासन करके कपालभाति। इधर बैठो, अभी किधर दर्द? हाँ तेरे इसकी खोपड़ी पर, तो सच में इसकी खेती उजड़ी पड़ी है बेचारे। तेरे को एक स्पेशल तेल भी देते। किधर किधर दर्द है? यहाँ दर्द है? यहाँ पे तो ठीक हो गया। ले अभी ठीक करता हूँ तेरा, सियाचिन में जाने से पहले ठीक करके भेजता हूँ। यहाँ दर्द होना है, ये है ना, ये दर्द होगा इस, ये तो फौजी है इसलिए सहन कर रहा है, नहीं तो ये यहाँ और यहाँ, ये दो पॉइंट, ये पूरा दर्द यहाँ वाला, ये फिर ये पीछे का चैनल, ये जिसको भी दर्दें हैं ना शरीर की, पैर में कोई भी दर्द है तो यही पॉइंट है, यहाँ से लेकर के 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पॉइंट है। ये भी बड़ा विशेष लाभ करता है, ये साधारण बात नहीं है। जो है ऐसे आराम से बैठो, ये एक्यूप्रेशर का ऐसे कोई पेन से ही दबा सकते, ऐसे कोई खास बात नहीं, ऐसे ये यहाँ ये पीछे पूरे चैनल एक एक मिनट दबाना, ये आज ही ठीक हो जाएगा तेरा। एक यहाँ से ये यहाँ से, और कमर के लिए तो अब जो कमर के आसन भी करवा दिए और बस्ती आदि पूरी करवा दी, शंख और पंचकर्मा पूरा कर लिया, तो ये पूरी कमर का तो और अर्थराइटिस का तो मैं कहता हूँ 100% है। और कमर में कोई बहुत ज़्यादा बिगड़ी हालात हो एक्सीडेंट आदि के कारण से 0.1% सर्जरी की आवश्यकता है, नहीं तो ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ देखो वही सर्जरी सर्जरी, और सर्जरी के बाद तो खराब ही होती है चीज़ें, ओरिजिनल कमर रहती नहीं है तुम्हारी। सारे एक साथ खड़े मत रहो, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ आगे, बैठ जाओ इधर, बैठो अपना मंडूकासन वक्रासन के साथ कपालभाति अनुलोम विलोम चालू रखो, शशकासन कर लो, वक्रासन कर लो, गोमुखासन कर लो। तो गर्दन में और सब सियाचिन में तो ऊपर बहुत तरह से अलग प्रकार का एक एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ बार बार इसको प्रॉब्लम होती थी, अब ठीक कर ली इसने। अब कमर भी ऐसे ठीक रखना और थोड़ा शिलाजीत लेके जाना, हाँ दूध में अश्वगंधा शिलाजीत चंद्रप्रभा ये थोड़ा लेते रहना, अश्वशिला शिला चंद्रप्रभा और ये पीड़ा नील लिया? कितनी खाई? अभी खाई नहीं सर। ये जरूरी है ना, तो और पूरा ही ठीक हो जाएगा। और ये पॉइंट दबा लेना, तो ये ठीक है। बाल के लिए चाहे कहाँ के रहने वाले हो? देहरादून से ही है, तो ये जो नारियल का तेल है ना उसमें ततैये का छत्ता पका के वो लगा लेना, नारियल के तेल में। ये अपना दिव्य केस तेल है, उसी के अंदर दिव्य केस तेल तो रोज लगाना, और उसमें ही वो ततैये का भिरड़ का छत्ता बोलते हैं ना, समझते हैं ना, जो पीली पीली होती काटती तो बड़ा दर्द होता है, वो कहीं से मिल जाता है, वो ततैये का छत्ता पका के लगा लो तो वापस आ जाएंगे 5-6 महीने के अंदर। ठीक है स्वामी, मेरी वाइफ भी आई, वो आई हुई है, उसको भी पेट में माइग्रेन की बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन पंचकर्म से उसका अभी ये ठीक हो गया है। वाइफ भी ठीक हो गई, फिर तो तेरे को दिक्कत ही नहीं है, बाल झड़ भी जाए तो कुछ कोई नहीं, ऐसे मजाक की बात है। तो ये आपको मैं बोल रहा था, योग बंद मत करो, ये तो मैं आपको मोटिवेशन के लिए कि भाई करने से चीजें ठीक होती है। मंडूकासन शशकासन, अब जैसे
पाँच मिनट तक ये अभ्यास करना है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए करना पड़ेगा ना इसे। जी मेरा नाम आनंद कुमार है। जी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। और मेरा शुगर 268 से 147 हो गया है। 268 था? हाँ 268 था, अभी 147 हो गया है। और 268 तो बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ से हो तुम? कोयम्बतूर, तमिलनाडु से आए हैं। कोयम्बतूर से आए हैं तो पहले बड़े दूर से आए भाई, इनके लिए ताली बजाओ पहले तो। और दूसरी बात, मेरा कई सालों से घुटने में प्रॉब्लम था और पिडानिल मैंने लिया तो मेरा घुटने का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया है। आज सुबह तो मैं आराम से चल के, इतने तेजी से चल के आया। कितनी बार लिए पिडानिल? 3 दिन हुआ है। 3 दिन लिया और मेरा घुटना बिल्कुल ठीक हो गया है। डायबिटीज वाले को हड्डियों का डिजनरेशन इतना आसानी से अच्छा नहीं होता। और यहाँ कैटरेक्ट का भी डॉक्टर बता रहे थे, अब मुझे लगता है मेरा कैटरेक्ट भी ठीक हो गया, ऐसा मुझे लगता है। जाने के बाद टेस्ट करूंगा तो हो सकता है वो भी ठीक हो गया हो। 200 कितनी बताई थी शुगर आपकी? 268 था मेरा, 147 हो गया है। 147। और दवाई लेते थे कि इंसुलिन? ये मधुआरी मधुनाशिनी मैं कई दिनों से ले रहा हूँ। अच्छा, वो वही ले रहे थे? एलोपैथी की नहीं ले रहे? मैं कई आपका 10 साल से मैं आपका ही औषध ले रहा हूँ। ओह, क्या नाम है? आनंद कुमार मुदलिया। आनंद कुमार। और घुटने में कौन से में दर्द था? घुटने में तो दोनों में था, और ये घुटना तो बिल्कुल इतना, डॉक्टर बोल रहा था कि खराब हो गया है, रिप्लेस करना पड़ेगा बोल रहा था। रिप्लेस करना पड़ेगा? जी हाँ। और 3 दिन में ठीक कर लिया? अभी बिल्कुल ठीक हो गया है। जोरदार काम है। आज सुबह तो मैं नहीं कहता कि सबका 3 दिन में हो जाएगा। आज मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इतनी तेजी से चल के जगह पकड़ने, यहाँ जगह नहीं मिलती इसलिए मैं इतनी तेजी से आया, मुझे आश्चर्य हुआ आज। ये लो 3 दिन में कि ये हुआ क्या, ये मेरे घुटने तो पूरे अलग थे, ये किसके घुटने आ गए हैं? क्या नाम बताया? आनंद कुमार मुदलियार। आनंद कुमार जी को आनंद हो गया है, 3 दिन में घुटने ठीक। जी हाँ। ये लो, कितने दिनों से दर्द था? ये तो कई सालों से था डॉक्टर साहब। अब मोड़ सकते हो, चल सकते, दौड़ सकते हो? आज सुबेरे मैं है ना यहाँ जगह मिलती लेकर के इतनी तेजी से आया तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। चमत्कार हो गया। जी हाँ। अब यहाँ शुद्धिकरण उसके साथ औषधि लेते हैं ना, खाली औषधि लेने से फायदा नहीं होता है, खाली योग से फायदा नहीं होगा, सारी चीजों का एक साथ अभ्यास करते हैं ना। चलो ये भी आपके साथ है, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम ये, इनको सोराइसिस बहुत ज्यादा हो गया है और 20 दिन से हमको हो गए इनके सोराइसिस में, आराम नहीं हो रहा डॉक्टर स्वामी जी। कहाँ कहाँ है? पैर में है और अभी फेस पर, फेस में भी आ रहा है। फेस पर भी आने लग गया? जी हाँ। अभी पूरा शंख प्रक्षालन शुद्धिकरण आदि हो गया इनका? नहीं, वो संघ प्रक्षालन नहीं हुआ उनका। सारा इनका संघ प्रक्षालन एक बार होने दो, उपवास होने दो। वो बहुत वीक हो गई हैं और रात भर रहना, सो नहीं पाती हैं, बहुत वीक हो गई वो, तो इसलिए वो सहन नहीं कर पाएंगे शायद वो। चलो नहीं कर पाएंगे तो इनको बस्ती से ही काम करवा देंगे। बस्ती अभी कितने दिन हुए यहाँ? 20 दिन हो गए हैं यहाँ पर। जी हाँ, 1 तारीख को आए थे हम। अच्छा अच्छा, तो इनको बस्ती आदि दी कि नहीं दी अभी? नहीं दी। तभी इनको जो है कमजोरी है तो थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट और दे देंगे, ठीक करके भेजेंगे, चिंता मत करो इनको। जब तुम ठीक हुए तो ये भी ठीक होंगे। क्या होता है कई बार ना, हम लोग घबरा जाते हैं, हमारी कमजोरी है, कमजोरी है तो भी कुछ उपचार। तो अब जैसे लेप लगा के 2 समय बैठना है धूप में, तो 2 समय लगा रहे हैं लेप की नहीं लगा रहे? एक ही टाइम लगा रहे हैं। हाँ, 2 टाइम करना है ना, 2 टाइम लेप लगाओ और बैठे बैठे अनुलोम विलोम करते रहा करो, कपाल भांति करते रहा करो, तो अभी ठीक हो जाएगा, है ना। कई बार वेग ज़्यादा होता है रोग का तो कोई समस्या नहीं, सारे खड़े मत हो, खड़े मत हो, बैठ जाओ, है ना। बैठे बैठे कपाल भांति के साथ वक्रासन और गोमुखासन करो दोनों तरफ से। स्वामी जी सादर प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम विजेंद्र शर्मा है, दिल्ली से हूँ मैं। 2 महीने पहले मुझे शुगर डिटेक्ट हुई। खड़े मत हो, बैठ जाओ बेटा। 220। और मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मुझे काफ़ी सारी दवाइयाँ दी लेकिन मैंने दवाई खाई नहीं। मैंने आपके YouTube पे काफ़ी सारे वीडियो देखे और मैंने योगासन करना शुरू कर दिया, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, और सुबह मैंने करेला खीरा और टमाटर का जूस लेना शुरू किया। उसी से स्वामी जी मैं 140 के आसपास आ गया और अभी मैं 5 दिन से यहाँ पे हूँ तो मैं अभी 100 के आसपास आ गया हूँ उसकी वजह से। 100 तो नॉर्मली आ गई जी। और मैं
आई वुड लाइक टू से समथिंग बिकॉज आई बिलोंग्स टू कॉर्पोरेट लाइफ, उसकी वजह से ये मुझे हुआ और जो मैं यहाँ आजकल सीख रहा हूँ मैं उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे लगता है कि दोबारा कभी नहीं होगा। चलो, डायबिटीज़ को इसने अब ये नॉन डायबिटिक हो गया है, पहले से भी फॉलो कर रहा था खीरा कर रहा, टमाटर का जूस उसमें हम थोड़ा गिलोय और थोड़ा ये जो है चिरायत आदि और पिला देते हैं, बस वो पी लेना ठीक हो जाएगा। अब डायबिटीज़ नहीं तो एक बार आया और जिंदगी भर पहले गोली, फिर इंसुलिन, फिर आंखें खराब, फिर किडनी खराब, फिर न्यूरोपैथी, फिर रेटिनो, ये सब एक चक्र भी शुरू हो जाता है। थोड़ी सी उम्र है, अब आगे जिंदगी में बस इसको फॉलो करना, कुछ नहीं होगा। बहुत आशीर्वाद स्वामी जी। हर्पिस के लिए, हर्पिस के लिए किसको है? मेरो। कहाँ पर है? यहाँ। इधर अभी बताता हूँ, गोमुखासन बैठो, बैठ जाओ गोमुखासन और करो कपाल भाती भस्त्रिका। हर्पिस बहुत कम लोगों को होता है, रेयर, और इसका हर्पिस कितने दिन हो गए? बैठ। अब हर्पिस 8 साल से है, ए राम राम राम। अब ये हर्पिस का इलाज, पहले तो हर डॉक्टर नीरज जी, ये हर्पिस का लेप भी अब हम तैयार करेंगे। यहाँ बैठो, इधर आओ। वो क्या लेप है मैं बताता हूँ, थोड़ा सा डरावना है इसलिए हमको कर बताना पड़ेगा। कहाँ है तेरे को ये? या पूरा जलन है इसमें, तेरा जलन अभी कल ही ठीक करते। कितने दिन हुआ अभी तुम यहाँ? 6 दिन हुआ, कल जा रहा हूँ। कल जा रहे हैं और तो, मैं लास्ट 8 साल से आ रहा हूँ यहाँ। अब देखो हर्पिस के लिए इलाज क्या है, शमशान में मुर्दे की जलने के बाद में जो हड्डियां बच जाती हैं उसको बारीक पीस करके और लगा देते हैं यहाँ पर, तो लगानी पड़ेगी, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम। ये खुद भूत प्रेत है, ये खुद भूत प्रेत है, बोले दर्द इतना था। अब ये लोगों को मजाक लगता है लेकिन हर्पिस का पूरी दुनिया में एक ही इलाज है, कब्रिस्तान की जो जली हुई हड्डियां हैं उनका पाउडर करके लेप लगा दो, 3 दिन के अंदर हर्पिस ठीक हो जाता है। ये बहुत कम मैं बोलता हूँ, नहीं तो बोलेंगे स्वामी रामदेव कौन सी शमशान साधना की बात कर रहा है, ये बीमारी इलाज ऐसा है, अब बताने में क्या दिक्कत है। लेकिन तेरे को बता के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। बताओ ये कितने साल से परेशान है? 20 साल पहले हुआ था, तब से जा नहीं रहा। बताओ ये लगाता तो मैंने तो कितने लोगों को मैं जो है ये ऐसे ठीक किया। 2010 का, 2012 का आपका शिबिर किया, यहाँ 4 बार आया मैंने। 3-4 तो हमारे एक हमारे गुरुजी के परिचित थे, मैंने उनको दिए बताया यही। ये बहुत रेयर होता है, लाखों करोड़ों में किसी एक को होता है, हर्पिस बहुत कम होता है। बाकी शुगर और बीपी, लेकिन बीपी शुगर तो इसका ठीक हो गया। अब हमारी जो पूरा महिला संगठन को देखती है हमारी पूज्या साध्वी देवप्रिया जी, उसको एक बार ये हर्पिस हुआ, उसको तो पूरा यहाँ से लेकर के पूरे शरीर पर हो गया। उसको भी कई तरह के उपयोग किए हमने, कायाकल्प से लेकर के नीम वटी से लेकर के फिर अलग अलग काढ़े लेकर के सब प्राणायाम करवाए, कोई फायदा नहीं हुआ, एकदम सच्ची बात बता रहा हूँ। फिर जो है मैंने कहा देखो ये उपयोग तो है, डर तो नहीं लगेगा? बोले अब इससे तो मतलब चीखते हैं आदमी, ये हालत हो जाती है। उनको 3 दिन ये शमशान वाली हड्डी का लेप लगाया पानी में मिला करके, और ठीक तो तेरा ठीक हो जाएगा, फिर फोन करके पूछूंगा तेरे से, ठीक है? तो हड्डी ला करके मैं दूं कि खुद ही ले आएगा? बोले मेरा हाथ से आएगा तो प्रसादी हो जाएगा, तो आज तेरी हड्डी मंगवा दूंगा, पाउडर करके दे दूंगा। तेरी हड्डी मतलब इसकी हड्डी नहीं मरे, वो तो शमशान बहुत है हरिद्वार में, तो वैसे पूरी देश भर के मुर्दे आते हैं, तो वहां से हड्डी मंगवा दूंगा और कल दे दूंगा तेरे को, ठीक है ना? क्या नाम है? बिंदेश पटेल। बिंदेश पटेल, ये मैं देखा बहुत देर से परेशान सा हो रहा था, मैंने कहा इसको पूछो जरा क्या तकलीफ। ये हर्पिस ऐसी बीमारी है, एकदम इसका इलाज है ये 100%। डॉक्टर नीरज जी आपको पता था ये? तो आज आपको भी ज्ञान दे दिया मैंने। जब भी आता हूं उसको बोलता हूं हर्पिस का। चलो अब ये हर्पिस का ये 100% इलाज है, ठीक है? अब लगा करके 3 दिन के बाद मेरे को फोन करना, डॉक्टर नीरज जी को बता देना। हाँ, चलो जाओ। और बीपी शुगर ठीक? हाँ दवाई दे, इनको मिल। अच्छा, दूसरा एक था कि मेरी मिसेस का दोनों हाथ चला गया है। हैं? हर्पिस? हर्पिस क्या होता है? हर्पिस ये होता है कि एक तरफ शरीर के अंदर से दर्द होने लगता है, बहुत भयंकर असह्य पीड़ा होने लगती है,
और होता कुछ नहीं है, दिखता कुछ नहीं है, किसी किसी को ऊपर जो है फोला सा भी पड़ जाता है। तेरे को पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था, ये सब है ना, पहले पढ़ा था, वो बाहर निकल गया और 24 आवर्स में उसका ये कराना पड़ता है ट्रीटमेंट, ने का होल पड़ जाता है वायरल से। तो एक वायरस आता है, उसका अटैक होता है, किसी को ऊपर फोला भी पड़ता है, किसी को फोला भी नहीं पड़ता। तो ये आधे शरीर में होता है, या तो रीढ़ की हड्डी के दाईं ओर होगा या तो बाईं ओर होगा, पूरे शरीर में नहीं होता है। मेरे ये साइड है, राइट साइड में हुआ था, तो ठीक हो जाएगा। वजह से ये भी मेरा पकड़ा गया, देखो ये भी पकड़ा गया। बहुत, ये तो पूरी रात सो भी नहीं सकता हूं, इतना दर्द होता है। मैं 10 साल से यहां आ रहा हूं। 10 साल से बताओ परेशान है ये? और यहां आ रहा हूं 10 साल से। चलो कोई बात नहीं, आप देर को बता दिया, ठीक ठीक है। और थोड़ा पेड़ा नील और लेके जाना तो अंदर से दर्द भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, जाओ। दोनों आंख चली गई, दोनों किडनी फेल। क्यों? वो डायबिटीज का, डायबिटीज से इसकी मिसेज की दोनों आंख और दोनों किडनी चली गई। कितनी है उसको स्क्रेटिनिन? अभी तो 8-6 डायलिसिस चलता है। डायलिसिस चल रहा? अच्छा, तू इसलिए बार बार कह रहा था डायलिसिस का करो, डायलिसिस का करो। अब डायलिसिस का यहाँ हम सब फैमिली यहाँ रेगुलर आते थे सर। कोई ना, उसको भी ये साल से नहीं आते हैं, उसको दिल्ली छोड़ा है। कोई बात नहीं, है ना, कोई डायलिसिस की यहाँ क्योंकि इस फैसिलिटी नहीं है, कोई बात नहीं, उसको भी कराएंगे। हाँ, कराते चलो, ये करो ना गोमुखासन। तुम मैं जब बातें सुनते हो तो उसी में खो जाते हो, तो गोमुखासन करो, बैठ तू, तू बैठ। हेलो स्वामी जी, ओम। हाँ स्वामी जी, मेरी आंखों की बहुत बड़ी समस्या है मेरे लिए। हाँ, मेरे को एम्स तक में डॉक्टरों ने ये कह दिया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, इसको एम्स के डॉक्टरों ने भी ये कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। किसको? मेरी आंखों की समस्याओं को। अच्छा, मेरी आंखों की नसें सुकड़ रही हैं। अच्छा, तो वो इस तरीके से सुकड़ रही हैं, उन्होंने बताया कि ऐसे सुकड़ते जाएंगी और एक दिन आपकी आंखें। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार दुबे। और उम्र कितनी है? 41। 41 में आंखें कब से सुकड़ रही हैं आपकी? ये मेरे को 15-16 साल पहले बताया था। ओ, तब से अब कंटिन्यू यही कार्यक्रम चल रहा है? नहीं, अभी तक तो मेरी शायद रुकी हुई है, अभी तक एक ही जगह पे रुकी हुई है। अब योग कितने दिन से कर रहे हैं? मैं करीब 2 महीने से डेली करता हूँ, घर पे भी करता हूँ और यहाँ पे आए हुए मुझे 6 दिन हो गए हैं। तो देखने में तकलीफ होती है? नहीं, देखने में तकलीफ होती है, मेरे को साइडें नहीं दिखाई देती हैं। साइड से नहीं दिखता? हाँ, साइड विजन गायब हो रहा है। क्या नाम है? विनोद कुमार दुबे। विनोद, अब यहाँ कितने दिन हुए? 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए, तो कोई फायदा हुआ है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ महसूस हुआ नहीं है पूरी तरीके से। उसका मेरा भी जो इलाज है वो भी परसों से चालू हुआ है, अक्षी तर्पण। हाँ, इनमें देखो, अब ये जो इस तरह की बीमारियां है ना, अब आंखों की नसें धीरे धीरे सिकुड़ रही हैं, साइड का विजन कम हो रहा है, अब ऐसी प्रॉब्लम्स में समय लगेगा। ये बीपी शुगर की तरह, घुटने कमर दर्द की तरह एकदम से ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे में धीरज रख करके अक्षी तर्पण तो यहाँ कर देंगे एक बार जी, उससे भी फायदा होगा। आपकी नसें सिकुड़ने से तो 100% रुक जाएंगी जी, ये पक्की बात है एकदम, है ना। और आपको कंटिन्यू, अभी हमने नया सिस्टम ये डेवलप किया है, पहले तो आप ही संपर्क करते थे, अभी जो इस तरह के क्रिटिकल रोगी हैं उनसे हमारे वैद्य और एक व्यक्ति को हमने स्पेशली नियुक्त कर दिया, वो भी आ गए ना, क्या नाम है डॉक्टर साहब, भाई साहब का? अरे शैलेंद्र जी, कहाँ है शैलेंद्र जी? ट्रेनिंग चल रही है। एक हमने कुछ लोग स्पेशल लगाए हैं जो क्रिटिकल रोगी हैं, उनके साथ कंटिन्यूअस हर सप्ताह वो बातचीत करेंगे, तेरे साथ भी बात करेंगे। धन्यवाद स्वामी। जो क्रिटिकल रोगी हैं उनको कंटिन्यू फॉलोअप यहाँ से लेंगे हम लोग, ये पहले व्यवस्था नहीं थी योगाग्राम में। अभी हमारे वैद्य जो किडनी के क्रिटिकल रोगी हैं, कैंसर के क्रिटिकल रोगी हैं, जो ऑटोमेन डिजीज के क्रिटिकल रोगी हैं, जिनको विशेष रूप से, और जो एक ग्रुप है, अब जैसे थायराइड की दवाई आप ले रहे हो, अब आपको यहां तो नहीं आ सकते बार बार, तो जिनके हम थायराइड की दवाई बंद करा रहे हैं उनको हम हर सप्ताह उनसे यहां से आपके पास में कॉल जाएगा, आपसे आपकी खैरियत खबर लेने के लिए यहां से कॉल जाएगा आपके हर वीक आपके पास में। ये प्रोटोकॉल बनवाया मैंने नया कि आपको थायराइड की दवाई हमने बंद करा दी, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है। नहीं तो क्या होता है, लोग जो है ना दवाई छोड़ देते हैं, उधर भी दवाई छोड़ दी, इधर भी दवाई छोड़ दी, फिर हालत खराब हो जाती है, फिर उनको कोई सलाह देने वाला नहीं होता है। तो
शैलेंद्र सिंह को तो इस ड्यूटी में हमने विशेष रूप से लगा दिया है। बाई चांस जो है शैलेंद्र जी जो है वो नीरज जी के भाई साहब लगते हैं तो उनको वो कहीं और नौकरी कर रहे थे, मैंने कहा चलो इधर आ जाओ सेवा के लिए। तो ये भी कार्यक्रम अभी नया शुरू हो रहा है। जैसे अभी मैंने कल आपको बोला सब थायराइड की दवाई बंद करो, थायराइड की दवाई बंद करके थायरोग्रिड कितनों ने चालू कर दिया है, एक बार जरा खड़े हो ना थायराइड के रोगी जिन्होंने शुरू कर दिया पहले, तो वो खड़े हो। थायरोग्रिड शुरू कर दिया और एलोपैथी की दवा बंद कर दी, एक बार चलो इनका जोरदार अभिनंदन करो पहले तो। आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, हर वीक आपके साथ बात करेंगे और आपको कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान करेंगे, होगी ही नहीं पहली बात तो। उज्जाई करना आपको 11 बार, बाद में 7 बार भी करोगे तो काम चलेगा। अभी सुबह शाम कर लेना कपालभाति के साथ उज्जाई, फिर थोड़ा सा थायराइड का पॉइंट दबा लेना, थोड़े दिन सिंहासन भी कर लेना, ये है ना ये वाला। और आपका थायराइड हर महीना आपको चेक कराएंगे और उसके बाद में आप देखेंगे थायराइड तो नॉर्मल, एक सप्ताह में नॉर्मल आ जाता है। करो एक बार, स्वामी जी तो तेरी आंख तो अब पूरी ठीक कर देंगे, ठीक है विनोद? और क्या था जी? हाँ। ये कहता इसके लिए मेरे को उन्होंने ये बता दिया पूरे विश्व में कहीं इसका इलाज नहीं है अभी तक। विनोद जिसका पूरे विश्व में नहीं है उसका भी तो यहाँ करने के लिए हम बैठे, इसीलिए तो मैं यहाँ पे योग ग्राम में आया हूँ और आपके सानिध्य में बैठा हूँ मैं, जब आप कहोगे तब मैं हाजिर हो जाऊंगा। कोई नहीं, अब ठीक कर देंगे बेटा तेरे को, ना घबरा मत। अब ऐसे बच्चों को ना डरा देते हैं, अब ये विनोद जो है एकदम डरा हुआ है कि मेरे को तो बता दिया कि कहीं इलाज नहीं है, पूरी दुनिया में कुछ भी कर लो अब ये नशे तेरी सिकुड़ने वाली है। एक डॉक्टर ने तो 10 साल पहले मुझे कह दिया था कि इनको तो दिखना ही नहीं चाहिए था, ये दिख कैसे रहा है? बताओ ऐसे डराते हैं, तेरे को तो दिखना ही चाहिए था, दिख क्यों रहा है तेरे को? ये कोई बात हुई? ऐसे लोगों को मैं बहुत बुरी तरह से फटकार लगाता हूँ, तुम क्या हो ऐसी बातें बोलने, लोगों को इतना डिप्रेस कर देते हैं। ठीक है बेटा अब तो निश्चिंत रहे, तुम्हारी पत्नी भी साथ में, ठीक है बेटा तुम इसका एक्यूप्रेशर करना है हाथ का पैर का, ठीक है पूरा ठीक हो जाएंगे हाथ में पैर में। एक्यूप्रेशर सीख लिया है? नहीं अभी नहीं से बताया। चलो इधर ओमदेव जी जाओ, इधर बैठो इनको सिखाओ जी, इधर जाओ महात्मा जी, जयदेव जी एक्यूप्रेशर बता दीजिए। अभी बता रहे हैं अभी, जयदेव जी ओमदेव जी आपके पास ही आ रहे हैं, यहीं बैठो आप जी, जी बैठो। धन्यवाद स्वामी जी। एक बेटी कुछ कहना चाह रही उससे पूछते, चलो उज्जाई करो थायराइड के लिए। अभी जिन्होंने अभी थायरोग्रिड चालू नहीं किया है ऐसे कितने हैं थायराइड के रोगी, चालू कर दो तुम लोग, आपका थायराइड का पूरा 100% ट्रीटमेंट हम करेंगे आपको। इधर है ये है रोगी थायराइड वाले, इधर जाओ आंख वाले जी। हाँ बेटा उज्जाई करो सब। मेरा नाम मोनिका जैन है। जिनको नहीं है वो भी कर लो, नहीं तो तुमको भी हो जाएगा, कोई भी चपेटे में आ सकता है। मैं बोलता हूँ हर व्यक्ति को हर बीमारी हो सकती है, एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, ये एक सिंपल फिलॉसफी है, करो। ओम स्वामी जी। मेरा नाम मोनिका जैन है, मैं दिल्ली से आई हूँ जी। मोनिका बेटा स्वामी जी मुझे ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मतलब 1 करोड़ में 1 को होती है और उसका कोई इलाज नहीं है पूरे विश्व में। क्या नाम बताया? मोनिका जैन। मोनिका तेरे को भी क्या बताया? MMNCB डिसीज है मेरे को, न्यूरो का है ये, मल्टीफोकल मोटर न्यूरोपैथी कंडक्शन ब्लॉक। इसमें मेरा 2018 जून में फुट ड्रॉप हुआ था, चलते चलते अचानक पैर में से चप्पल निकलने लगी थी। फिर मैंने बहुत इलाज करवाया, फिजियोथेरेपी कराई, कुछ भी इलाज नहीं हुआ मेरा। फिर मेरे को पंथ हॉस्पिटल में दिल्ली में रेफर किया जी। फिर वहाँ पर डॉक्टरों ने काफी असेसमेंट करा, फिर उसके बाद एक सैंपल मेरा ब्लड का USA भेजा था, फिर उसमें IgM GM1 पॉजिटिव आया था। तो मुझे अब मतलब इसका कोई इलाज नहीं है, हर महीने एडमिट होकर हॉस्पिटल में 26 बोतल IVIG की चढ़ाते हैं। 26 बोतल? हाँ जी, हर महीना 4 लाख रुपए की दवाई चढ़ती है हर महीने। 26 बोतल 4 लाख रुपए, तो अब यहाँ कितने दिन से आई बेटा? यहाँ मैं आई थी 17 तारीख को। अच्छा, तो स्वामी जी यहाँ पर मैंने मतलब कहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा आया नहीं है अभी तक मरीज, तो जब करोड़ों में एक है तो फिर तो पूरे हिंदुस्तान में 100-150 रोगी होंगे, तो तेरे इतना खर्चा कौन उठाता है बेटा?
गुरुजी वहाँ पर तो मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट देते हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिल रहा नहीं तो ये बीच ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाती थी। हाँ, और पर गुरुजी अब कहाँ से हो बेटा तुम? दिल्ली से हूँ गुरुजी, AGCR इंक्लेव से हूँ मैं। आप जानते होंगे शशि गुप्ता और वो आपसे जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरह। उन्होंने मुझे बताया था कि आप एक बार स्वामी जी से मिलो। अभी यहाँ आए हो? हाँ जी। तो आपको कोई जो सिम्टम्स हैं कुछ उसमें कुछ चेंज दिख रहा है? नहीं अभी उसमें तो नहीं है मेरी, इसमें हाथ में लेफ्ट हैंड में बिल्कुल पकड़ खत्म है। हाँ। फिंगर्स काम नहीं करती मेरी, एक पेपर भी नहीं उठा पाती हूँ, रोटी बाइट नहीं कर पाती। चलो ऊपर आओ, इधर आओ, तुम जरा इधर देखते हैं तुम्हारा। हाँ, उज्जाई करो तुम लोग। माइक तो दे दो उसको, बच्चे को दे दो। ये 11 बार तक करना थायराइड वालों को, ये पॉइंट दबाना थायराइड का, कपाल भाती करते करते दबा लिया करो। ये काम तुम करते नहीं हो। देखो मेरी बात सुनो तुम लोग, 5-7 बातें खास। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है कपाल भाती करते करते ये करो, जिनको आंख की प्रॉब्लम है ये दबाओ, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है ये दबाते कपाल भाती करते करते, जिनको अर्थराइटिस है सूक्ष्म व्यायाम करते और ये पीछे के पॉइंट 1, 2, 3, 4 ये चैनल दबाओ तो सारी ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाएगा। ये जो ऑटोइम्यून डिजीज है, बैठो बेटे इधर आओ। अब हाथ में क्या ग्रिप कम हो गई है? ठीक है, तेरी अब ये उंगली भी ठीक करेंगे और ये तेरी 4 लाख की दवाई भी बंद करेंगे। अब सबको ऐसा बता दिया इसका पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है और अब किडनी हार्ट भी खराब हो जाएगा, इसको बोल दिया। अभी किडनी हार्ट पर कोई असर तो नहीं आया क्या? नहीं गुरुजी अभी तो कोई नहीं आया, पर अब मैं 3 महीने से गई नहीं हूँ दवाई छड़वाने कोरोना के चक्कर से। वहाँ पर बहुत भीड़ होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक के साथ 10 लोग आते हैं मिलने, तो इसलिए डर की वजह से नहीं गई हूँ। कि घर में भी 3-4 महीने से दवाई नहीं चढ़ाई तो कम से कम चलो ठीक जगह आ गई है। ठीक नहीं हुई हूँ पर गुरुजी, नहीं ठीक नहीं हुई है, दवाई चढ़ाने इसलिए नहीं गई कि वहाँ कहीं कोरोना और ना लग जाए पीछे। 10 साल का बेटा है। अब इस हाथ में पकड़ के दिखा, अब इसके हाथ में कोई ग्रिप नहीं है, अंगुलियां मुड़ी हुई हैं खाली, पकड़ ऐसे पकड़ नहीं सकती हैं। ये उंगली जुड़ती भी नहीं है, ये ऐसे मुड़ जाएगी, जोड़ूंगी तो इसको ये मुड़ गई, ये अलग हो गई। हाँ, अब ऐसे अंगुलियां ऐसे नहीं कर पा रही है, देखो मेरी तो उंगलियां ऐसे हो गई, अभी इसने ऐसे किया तो ये इधर चली गई, ये इसकी इधर इधर चढ़ गई। हाँ, तो देखो इसके लिए एक तो एक्यूप्रेशर करना ही पूरा है ना, यहाँ से दर्द होगा इसमें, ठीक है। ये अब ये जिनको भी हार्ट अर्थराइटिस है, ये अब ये न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं और है? अब जैसे इसको ये पीछे ये अंगुली सीधी नहीं हो रही थी इसकी, अब ये अंगुली सीधी कर दूंगा इसकी अभी 2 मिनट के अंदर है? अब दर्द तो होगा इसको थोड़ा ऐसे, ये ऐसे। अब ये एक्यूप्रेशर भी जरूरी है, तुम एक एक चीज के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देते हो। अर्थराइटिस वाले, आँख नाक कान गले की समस्या वाले, थायराइड की समस्या वाले, अब जैसे इसको ये न्यूरो प्रॉब्लम है, अब तो रोज सुबह शाम तेरे को कराना चाहिए था एक्यूप्रेशर, करवाया नहीं तूने? हाँ करवाया था, वो इनसे जिसे ये वाले जो है समर्पण देव जी से थोड़ा सा करवाया होगा। नहीं आधा घंटा, आधा घंटा करवाया। ठीक, अब ये ऐसे होगा। हाँ, ये ऐसे करवाया था? इतना तेज नहीं करवाया, इतना तेज नहीं करवाया था, करना पड़ेगा। हो कर रही अब दर्द बहुत होता है इसमें। ये दर्द आर के सिंह अपनी पत्नी को भी यहां से दबाए, ये भी ऐसे हु करेगी यहां से, ये दबाना इसका, ये गले का पॉइंट है, गले और थायराइड का, यहां से दबा के देख इसका, मंजू का देखो ये। अब इसको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको तो क्योंकि हाथ में ग्रिप नहीं है तो इसी पीछे मैंने पॉइंट बताए 1, 2, 3, 4 ये 5, ये 5 पॉइंट दबाने से ये ग्रिप इसकी लौट आएगी 1 महीने के अंदर ही। हाँ ये, लेकिन इसको दर्द होगा थोड़ा ना बेटा, थोड़ा करवा लेना, हस्बैंड दबा देंगे ना। हाँ, उनको बोलना जोर से दबा, वो कहते हैं यहाँ पर जाए 2 महीने लग जाए वापस मत आइए। इसके पति ने तो बोला है कि तू इलाज करा के आ जा, चाहे 2 महीने लग जाए, बच्चे कौन देखेगा? दादी बाबा आ गए, दादी बाबा आ गए, ठीक है अब तेरे को यही रखते हैं। तो ये कल डॉक्टर कनक से मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप स्वामी जी से मिलना जरूर। हाँ तो मिलनी है ना, तो बाकी लोग तुम करो,
ऊंचाई पूरा हो गया, अनुलोम विलोम पूरा हो गया, ठीक है। तुम एक्यूप्रेशर करो, तुम भी अपने अपने बीपी के लिए, शुगर के लिए, हार्ट के लिए सारे पॉइंट बता रखे हैं। चलो एक बार आज बता देता हूँ। ये सारे पीसी के चैनल, फिर ये एक एक मिनट यहाँ से, अभी तो मैं प्रतीकात्मक दबा रहा हूँ, ऐसे जोर से दबाना भाई समर्पण देव जी, 1 2 3 4 5 ठीक, ऐसे पूरा। यहाँ से भी शशि दीदी से मैंने योगा सीखी पार, अब सीधे कर हाथ, अब तो तेरी उंगली नहीं चढ़ रही जो पहले इसकी उंगली इधर उधर हो रही थी, अब सारी उंगली सीधी होगी मात्र 5 मिनट के अंदर। अब पकड़ के दिखा, अब तो तेरी ग्रिप की थोड़ी सी, मतलब ऐसे एकदम तो नहीं बढ़ेगी, फिर से दबा। अब पहले से करीब 10% इसका ग्रिप भी बढ़ गया, खाली इतना दबाने मात्र से। अब ऐसे लोग निराश हो जाते हैं। और कौन से पैर में यही ड्रॉप हुआ था, पैर पीछे 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 बैठ, ऐसे यहाँ पर भी यही करना है, ये उंगली भी इधर चढ़ने को हो रही है। ये चलती हूँ ना मैं तो, मेरी चाल ना पहले तो बहुत खराब हो गई थी, पर अब झंझनाता है पैर ऐसे। अब इस तरह झंझनाट तो हो जाएगा 5-7 दिन में ही दूर। गिर जाती हूँ जरा सा भी बैलेंस खराब होता है। अब गिरना पड़ना बंद हो जाएगा। और बता ये 3 महीने से दवाई नहीं चढ़ाई, तो कोई ये तो नहीं कह सकता कि दवा का असर हो रहा, जो भी असर होगा वो ग्राम का होगा, है ना। हस्बैंड ने पिछले साल भी कहा था लेकिन मानी नहीं हस्बैंड के। चलो अब सही रास्ते पर आ गई है ये ऐसी जो ऑटोमेन डिजीज है, अब इसको थोड़ा दर्द तो होगा, वो तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। ये एक करीब आधा घंटा तेरे को करना पड़ेगा ये कार्यक्रम है, ये एक्यूप्रेशर भी, और फिर तेरे को औषधियाँ भी देंगे, है ना। पंचकर्मा भी शुरू किया था। हाँ पंचकर्मा भी कर ले, पंचकर्मा षटकर्मा सब करना है तेरा, ठीक है। फिर तेरा पंचकर्मा षटकर्मा करेगी तो पंचनामा होने से बच जाएगी बहुत खराब हालत होती है ऐसी तो। अब ये कितने साल से ले रही है इलाज? करोड़ों रुपए की बोतल चढ़ा चुकी तू डॉक्टर साहब का भी बहुत वो है, उन्होंने भी मतलब बहुत नहीं, अच्छी बात है, जो उनके पास इलाज बताया गया वो उसको लगा रहे हैं, उसका क्या होगा वो तो पता नहीं। इलाज नहीं है उनके पास, यूएसए तक भी हमने पूछा पर उन्होंने मना कर दिया, यहां भी यही इलाज वहां चलता है। तो बोले अमेरिका में भी यही इलाज चलता है, और तो कोई इलाज है नहीं। तो ये पूरा है ना, अब ये तेरे को ये एक्यूप्रेशर सारे ऊपर, ये पीछे से ये, फिर आगे से भी ना पूरे दबा लेना ये सब है। तो ये पूरा एक्यूप्रेशर चलेगा, बाकी पंचकर्मा षटकर्मा आयुर्वेद की औषधि भी तेरे को, गिलोय इसमें काम करेगी, गिलोय पीना तेरे को, गिलोय पीनी है, अष्टवर्ग का चूर्ण देंगे यहाँ पर, बाकी कुछ औषधियां भी लिखेंगे डॉक्टर अनुराग जी आपको, हाँ ठीक। क्या नाम है? मोनिका जैन, ठीक। स्वामी जी ओम। ओम जी। स्वामी जी मेरी बेटी को एंडोमेट्रियोसिस है। चलो अब बाकी जो मोटे मोटे भाई बहन है वो 5 आसन करो, मोटापा वाले जो बता रखे हैं ना ये, और बाकी जो है कमर वाले जो है उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन, अपने अपने आसन करो। चलो जी, उसको एंडोमेट्रियोसिस है और ये पूरे विश्व में 20% लोगों को होता है, और इसका डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं है कहीं एलोपैथ में, लेकिन वो लोग बोलते हैं इसका परमानेंट इलाज नहीं है, और उसके वजह से उसका जो थाई का इनर पोर्शन है उधर सेंसेशन लॉस हो गया है। कहाँ पर है आपकी बिटिया? मुंबई में। तो उसको बुलाओ, ठीक है, उसको ठीक करेंगे उसको, ठीक है। ऑटोमेन डिजीज का ये नया शाखा मैंने खोला है अभी। ऑटोमेन डिजीज का क्या होता है, कंटिन्यू फॉलोअप नहीं होता है तो दिक्कत होती है, तो ऑटोमेन डिजीज के पेशेंट्स को हमने अभी डील किया है यहाँ पर, और उसमें जबरदस्त लाभ हो रहा है। जिनका कहीं पर कोई ऑटोमेन डिजीज बोलो, अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम बोलो इनका, फिर आदमी बहुत उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं एलोपैथी के भी, कोई दवाइयां तो है नहीं वहाँ पर भी ऑटोमेन डिजीज के लिए, SLAMS ऑटोमेन डिजीज और ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम्स, उसको आप यहाँ भेजिए, उसको कंटिन्यू वॉच करेंगे और उनको दवाई देंगे। स्वामी जी उसको एक्चुअली सिस्ट फॉर्मेशन कई जगह हुआ है, एक सिस्ट इतना बड़ा हो गया कि उसकी राइट ओवरी को टॉर्शन कर दिया,
पूरे पेट में इवन लंग्स के पास पहुंचा। सिस्ट बिल्कुल नहीं होने देंगे, पक्की गारंटी। और वो जो है सिस्ट का ऑपरेशन अभी कराया था जसलोक हॉस्पिटल में, तो पूरा वो लंग्स के पास का सिस्ट और पूरा स्टमक अपना एब्डोमेन का सिस्ट उसका पूरा निकाला, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि ये फिर हो भी सकता है, फिर भी हो सकता है। कोई ना, आप उसको भेज दीजिए बिटिया को ना, और उसको पूरा उपचार का पूरा उसका प्रोटोकॉल बता देंगे, उसको कंटिन्यू फॉलो पे रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है। ये सबके लिए बता रहा हूँ, जो ऐसे क्रिटिकल रोगी उनको कंटिन्यू फॉलोअप में हम रखेंगे, हर वीक उनके साथ में हमारे डॉक्टर्स भी कोऑर्डिनेट करेंगे। इसके लिए हमने पूरी साइंटिस्टों की, पीआरआई के साइंटिस्ट और हमारे यहाँ नेचुरोपैथ के डॉक्टर, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, हमारे तीनों मिलकर के करेंगे। पीआरआई के हमारे साइंटिस्ट भी उसके संपर्क में रहेंगे, उसके साथ में मैं खुद उनको सबको मार्गदर्शन दूंगा, हमारे नेचुरोपैथी के, हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर भी संपर्क में रहेंगे। और ऐसे जो क्रिटिकल रोगी हैं, बाकी सब बीपी शुगर वालों को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सामान्य बातें हैं। जैसे क्रिटिकल रोगी हैं, मकरासन चलो, भुजंगासन करो, करो सब ऐसे कंटिन्यू करो, जिनको कमर में दर्द आराम आराम से, और जिनको कमर में दर्द नहीं है वो 100 बार। मैं तो अपना 100 बार करके आया हूँ, मेरा तो 100 बार वाली स्पीड तुम मैच ही नहीं कर पाओगे। हाँ, मेरी तो 100 बार वाली ये स्पीड होती है पूरी, और मैं एक से डेढ़ मिनट लगती मेरे को, ऐसे ऐसे करता हूँ, इस तरह से करता हूँ पूरा 25-25 करके, अंदर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ हाथ, आगे की तरफ हाथ, पीछे की तरफ हाथ, ऐसे करके ऐसे 100-100 बार। और जो मोटे मोटे भाई हैं उनको करना है कितनी बार, 100-100 बार करके 5 राउंड, 3 से 5 राउंड, 500-500 बार तक करवाता हूँ। और जिनको कमर में दर्द है वे बंद रहे 20 बार करो। अब लोग क्या करते थे, कमर में दर्द है तो 5 सेकंड किया और फिर बोले नीचे आ जाओ। अरे 5 सेकंड में लाभ नहीं होगा, 25 बार करना पड़ेगा धीरे धीरे करके, कमर दर्द वालों को, मोटापा वालों को 100-100 बार। अपने अपने आसनों का जो प्रोटोकॉल है, देखो पूरा प्रोटोकॉल है, यहां पर भी उपचार का भी एक प्रोटोकॉल है, योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथ का। और योग में भी आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का, योग का, यज्ञ का, यह एक्यूप्रेशर का भी एक प्रोटोकॉल है। खाली पेट किया जाता है, खाने के तुरंत बाद नहीं, खाने के 1 घंटे बाद कर सकते हैं। हाँ, अनुलोम विलोम जो है 15-20 मिनट बाद कर सकते हैं। ऐसे माता तुम्हारी दवाई मैंने करने के लिए बोल दिया है, यूट्रस ओवरी का प्रोलैप्स जिनको होता है, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए चांगरी घृत और चांगरी औषधि मैंने यहाँ के बाग बगीचों से वो घास उखाड़ने के लिए मंगवा लिया है तुम्हारे लिए, करवाएंगे, बैठ जाओ। वो सुन ली थी तेरी मैंने कल शिकायत। हाँ, वो काफी परेशानी वाली बात होती है। चलो करो करो, बैठो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, सब करो, ये सबके लिए अच्छा, थोड़ा 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 सबको ही करना है ना। आज मैंने लास्ट में रखा है ये आसन, पहले प्राणायाम रखा मैंने, प्राणायाम ज्यादा करना है तुमको। अब जो सोराइसिस वाले पेशेंट हैं, जो पूरा करेंगे ना, शुद्धिकरण की पूरी क्रियाएं करनी, संघ प्रक्षारण उनको पूरा करना है, उनको एनिमा से लेकर के, बस्ती से लेकर के, लेप से लेकर के, अलग अलग स्टीम भी देनी उनको, पंचकर्मा षटकर्मा पूरा होगा। जैसे एक भाई बोल रहे थे कि सोराइसिस में फायदा नहीं हुआ, फायदा कैसे होगा, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करो भाई, आपको पूरा उपचार पूरा फॉलोअप करना पड़ेगा। ये जो उपचार में जो वेरिएशन दिखता है ना आपको यहां, उसमें दिक्कत यह है कि आप पूरा उपचार ले नहीं रहे हो। पूरा उपचार लो, पूरा जो बताते हैं 100% उसको फॉलो करो, करो सर। भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, अरे धन्यवाद तेरा तुम्हारे का। इस माइक माता को माइक दे दो भाई, इसको कुछ कहना है इसको, हाँ? दे दो भाई इसको, क्या नाम है, हाँ। चलो करो तिर्यक भुजंगासन कर लो स्वामी जी, करो तिर्यक भुजंगासन करो सब, प्रणाम प्रणाम, चरणों में एकदम प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
ये लॉकडाउन में मेरा 10वां चक्कर है योग्राम का, सिर्फ आपके लिए अभी पूरा जीवन यही निकालना है स्वामी जी के पास में। मेरा स्वर्ग भी यही है, मेरा संसार भी यही है, मैं और मेरे पति इधर ही रहने वाले हैं आपके पास में। आज तो इसकी कमर सीधी सी दिख रही है, गर्दन इसके पति कल आए थे तो ऐसे टेढ़ी गर्दन लेके आए हुए थे, ऐसे ऐसे आज ये सीधा बैठा हुआ। ये इतना परेशान, बोले जी मैं तो इलाज नहीं करा पाऊंगा, मेरी तो हालत बहुत खराब है। मैंने कहा हालत खराब है तो घर जाने से थोड़ी ठीक होगी। तो कल इसकी गर्दन टेढ़ी थी, आज एक ही दिन में सीधी हुई बैठी है गर्दन इसकी। तो ये देखो वायु के जो अलग अलग वेग है ना, ये यहाँ योगा एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर पूरा करवाना तुम भी, हाँ इनको भी समर्पण देव जी करो इनका एक बार, जरा हाथ पैरों के पूरे पॉइंट दबा दो इनको, ये बाबा जी बैठे हुए सामने, गर्दन सीधी तो होगी इनकी एक ही दिन में। ऐसे फिर सलभासन एक एक पैर से, जिसको जो करने हैं। और डायबिटीज वालों को मंडूकासन, और पहले वो तो करवा ही चुके थे, उनको शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, अब उनको पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, वो दो दो मिनट से लेके पांच पांच मिनट तक करने। तो अपने अपने आसन सब कीजिए, योगासन पूरे होने चाहिए, प्राणायाम पूरा होना चाहिए, ध्यान पूरा होना चाहिए। जो जो उपचार है ना, जो जो आपके लिए उपयुक्त है, अब जैसे जिनको कमर दर्द है उनको मरकटासन एक दो बार से नहीं बात बनेगी। मैंने पहले कई बार कहा हुआ है, लोग कराते थे कपालभाती 330 बार, मैं कराता हूं कपालभाती 3000 बार। कितनी बार? 3000 बार। अब योग वाले 330 बार कराते थे, ये डॉक्टर नीरज जी भी बैठे हुए, ये भी तो पुराने योगी हैं, ये भी 30 बार वाले ही थे पहले, ये भी 30 ही बार करवाते थे। बोले 30 बार का एक राउंड, और फिर ज्यादा से ज्यादा 3 राउंड हुए तो 100 बार होता था। अब हम कराते हैं जिनको अर्थराइटिस से, रोमेटाइड अर्थराइटिस से, ऑटोमेन डिजीज है उनको, सोराइसिस वालों को, एक मिनट में 60 बार। एक घंटे में कितना हुआ भाई? एक मिनट में 60 बार, तो एक घंटे में कितना हुआ? 36, कितना हुआ है जी? गिनती नहीं आ रही है? एक एक घंटा सुबह दोपहर शाम करवाते हैं हम, 3000 बार कराते हैं। और अनुलोम विलोम ऐसी, अब आसन कितना करवाते थे? आसन करवाते थे ऐसी 10-20 सेकेंड। मैं कहता हूं एक आसन करना आपको 5 मिनट, कमर दर्द वालों को 5-5 मिनट मरकटासन, आराम आराम से आधा आधा मिनट करके एक एक तरफ से करो। 3 तरह के अभ्यास हैं, तो पैर खोल करके, पैर सीधे करके भी 5 मिनट एक आसन करना है। अब लोग क्या करते थे, ऐसे किया और ऐसे आ गए 5 सेकंड में, 5 सेकंड में कुछ लाभ नहीं होगा, फिर करो मत करो कोई फायदा नहीं है। ऐसे पवन मुक्तासन 5 मिनट करो डायबिटीज वाले, उत्तान पादासन 5 मिनट करो डायबिटीज वाले, और कपाल भाती के साथ करो, ऐसे करना है आपको। ये है इसकी महिमा, कुछ बात समझ में आई? ऐसे करना है अपने अपने आसन। और ये मोटे मोटे वालों को 100-100 बार अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करो। फिर कहते हैं स्वामी जी अब स्टक हो गया, एक जगह आकर के रुक गया वजन, 30 किलो तो कम हो गया, 35 किलो तो कम हो गया, अब 40 किलो कम हो गया, लेकिन वहां के रुक गया। अरे रुक कैसे गया? बढ़ाओ, एक राउंड 100-100 बार का, 2 राउंड करो, 3 राउंड करो, 4 राउंड करो, 5 राउंड करो। एक लेवल की चीजें अचीव करने के लिए, बिजनेस में क्या कहा जाता है, आपको जो नॉर्मल ग्रोथ लेनी होती है तो उसको बोलते हैं तो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जो पेड़ में नीचे फल लगे रहते हैं तुरंत तोड़ सकते हो। जो ऊपर वाले फल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी लगानी पड़ेगी, पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जो है, कुछ लोग हैंगिंग फ्रूट्स वाले हैं, नीचे खड़े खड़े तो फल तोड़ लिए इजीली, अब ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सीढ़ियां लगानी पड़ती हैं। तो एक एक करके
चीजों का एक के बाद दूसरा स्टेप चढ़ने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पर सारी चीजें इंक्लूसिव ट्रीटमेंट देते हैं आपको, कॉम्प्रेहेंसिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो सारी चीजें, आसन पूरे करो, मोटापा के आसन करो, डायबिटीज वाले करो, कमर वाले करो, जो जिसके लिए आसन है पूरे करो सब। और डॉक्टर सलील जी आप इधर ऊपर आ जाओ। अभी वेरिकोज वेंस में की प्रॉब्लम कितनों को है? वेरिकोज वेंस वाले, ओनली वेरिकोज वेंस वाले अभी मेरे साथ इंडिया टीवी के प्रोग्राम के लिए आ जाएंगे। आज वेरिकोज वेंस के लिए मैंने रखा हुआ है। लंबे समय तक खड़े रहने से, किसी को वात का प्रकोप होने से नसें सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, वेरिकोज वेंस, उसका ट्रीटमेंट आज उसको हमारे साथ ही करते भी रहेंगे, उनको बताएंगे भी। तो अपना अपना योगाभ्यास, तीन मुख्य योगासन के प्रोटोकॉल हैं, एक ओबिसिटी के लिए, एक स्पाइनल कोड के लिए और एक फिर सबके लिए, वो खाली डायबिटीज और पेट के लिए नहीं है वो। तो तीन तरह के अभ्यास क्रम है, तीन तरह के प्रोटोकॉल हैं योग के, उसको फॉलो करो पूरा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, योग को पूरा फॉलो करो, आयुर्वेद को पूरा फॉलो करो, नेचुरोपैथ को पूरा फॉलो करो, एक्यूप्रेशर को पूरा फॉलो करो, यज्ञ को भी फॉलो करो, और फिर दिन भर जो आपको अपने मन पर काम करना है, समता में जीना है।